अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजोर हैदर और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं और चांसेस ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैं। लैंड की अगर बात की जाए तो लैंड एक ऐसा एसेट है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा जनरली रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। स्पेशली इन पाकिस्तान लैंड की वैल्यू हमेशा ग्रो करती है, और वक्त के साथ साथ जब उसके अंदर फैसिलिटीज़ आती हैं, जब एरिया के अंदर फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो लैंड की प्राइस हमेशा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर बात करें दूसरी वजूहात की, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो पहला रीज़न जो है वो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अगर इन डेप्थ देखा जाए तो हर बिज़नेस के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी इन्वेस्टर्स काफ़ी जगहों पे काफ़ी बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट रियल एस्टेट के अंदर ये रिस्क फैक्टर बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, क्योंकि आपकी अपनी मर्जी के ऊपर होता है कि आप लैंड यूजेज किस तरह से करें। आप घर भी बना सकते हैं, आप लैंड लेके बेच भी सकते हैं, और आप उसके ऊपर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। तो ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट को प्रायोरिटी देते हैं ओवर अदर बिजनेसेस, स्पेशली इन पाकिस्तान। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि जैसे कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से स्लम के अंदर जा रही है। ये सिर्फ 2020 की ही नहीं बल्कि 2019-2018 काफ़ी सालों से पाकिस्तान इंडस्ट्री स्लम की तरफ बढ़ रही है। स्पेशली फिर COVID-19 के आने के बाद से पाकिस्तान के हालात और ख़राब हो गए और बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन रियल एस्टेट वो वाहिद सेक्टर था कि जिसके अंदर ऑल दो प्रॉब्लम्स आई, बट ये सेक्टर कभी भी स्लम की तरफ नहीं गया और इसमें स्लोली ग्रेजुअली ग्रोथ होती रही। इवेंचुअली अब अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है कि बाकी बिजनेसेस हमेशा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करेंगे। हमेशा कोई ऐसे पेंडेमिक आ गया तो उन पे हमेशा नुकसान पहुंचेगा, पर रियल एस्टेट के अंदर हमेशा प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट और आपके चांसेस ग्रोथ के, आपके चांसेस बेटर बिजनेस करने के हमेशा हायर रहेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन क्वेश्चन, व्हाई रियल एस्टेट ओवर अदर बिजनेसेस? तो इसका सिंपल, जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो यही रीजन है कि रियल एस्टेट के अंदर लैंड नेवर डेप्रिशिएट्स। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लैंड की वैल्यू पाकिस्तान में भी बहुत मायने रखती है और वक्त के साथ साथ वो इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे उस लैंड के ऊपर काम होना शुरू होता है, प्राइसेस उस जगह की बढ़ने लगती हैं। अगर किसी और चीज़ की एग्जांपल लें, फर्स्ट करें, आपने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी विल ऑलवेज डेप्रिशिएट, अदर थिंग्स विल डेप्रिशिएट, लैंड विल नेवर डेप्रिशिएट। दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई यू हैव टू चूज़ रियल एस्टेट ओवर अदर बिजनेसेस, एंड दैट इज़ व्हाई इन्वेस्टर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती और आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। आज पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े बाजार बन गए हैं, तो व्हाट इन्वेस्टर्स डू इज़ कि उनके अंदर शॉप्स खरीदते हैं, कुछ कुछ उनमें से जो है वो उसको किराए पे दे देते हैं, कुछ कुछ अपने यूटिलाइजेशन के लिए रखते हैं, एंड फ्रॉम देम दे अर्न मनी। सो अ गुड एग्जाम्पल फॉर बिजनेस इन रियल एस्टेट इज़ के बाजारों के अंदर, शॉप्स के अंदर जैसे कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, अपनी दुकानें खरीदते हैं, कुछ टाइम बाद जब प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो विदाउट एनी कमर्शियल यूसेज ऑफ इट उनको बेच भी दे देते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कि किस तरह से बिजनेस में रियल एस्टेट लैंड को यूटिलाइज किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल्दो रियल एस्टेट को कभी भी टैक्स जनरेटिंग फैक्टर नहीं इंक्लूड किया जाता पाकिस्तान में, येट पाकिस्तान का रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेटिंग सेक्टर है। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट GDP पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस लैंड की इंपॉर्टेंस कितनी है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं रियल एस्टेट के अंदर, जिससे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिलता है और GDP पे पाकिस्तान का कितना इफेक्ट करती है रियल एस्टेट। फाइनली अगर हम हाउसिंग स्कीम्स की बात करें, तो हाउसिंग स्कीम्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रियल एस्टेट एंड फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मनी इन रियल एस्टेट, जिसकी वजह से उनको हमेशा फ़ायदा होता है। हाउसिंग स्कीम को सबसे ज़्यादा सिक्योर वे भी कहा जाता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इसके अंदर आपकी अपने ऊपर होता है कि आप कोई घर लें, कोई लैंड लें, कोई प्लॉट लें और उसको आगे जाके बेच दें विदाउट इवन मेकिंग समथिंग ऑन इट, और इससे आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। सो टुवर्ड्स दी एंड अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि रियल एस्टेट जो है वो एक बेस्ट बिजनेस है आजकल पाकिस्तान में, जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स इसके अंदर अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अब आती है इंपॉर्टेंट बात, अब मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जिन्होंने अब तक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया है। रेड बॉक्स टीवी आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करें और हम आपको रियल एस्टेट के अंदर मदद करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट्स का बताएंगे और हमारे थ्रू आप अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में कर सकते हैं। दिस वॉज शाहजोर हैदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग रेड बॉक्स टीवी। अल्लाह हाफिज़।